अभी हम लोग चंदवारा प्रखंड के ग्राम पंचायत बड़की धमराई में मौजूद हैं। यहाँ महेश वर्मा जी से उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि वो मुखिया पद के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे खड़े हुए हैं तो क्या सोच के साथ वो खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं। महेश जी, सबसे पहले आप बताएं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, मैं महेश महतो मुखिया प्रत्याशी बड़की धमरा पंचायत से खड़ा हुआ हूँ और यहाँ के जनता के लिए, जनता की आवाज के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। पहले मैं सरपंच के तौर पे पंचायत समिति रहा और जनता में इतना बढ़िया काम किया, जनता की आवाज पर मैं खड़ा हुआ हूँ और जनता ने कहा कि भाई आप जो है इस पद के लिए नहीं, आप मुखिया पद के लिए अच्छे हैं और बढ़िया काम करेंगे, इसी के लिए मैं मुखिया प्रत्याशी बना हूं और जनता के कहने पे बना हूं। मैं जानना चाहूंगा महेश जी कि अभी आपके जो पंचायत में है उसमें अभी फिलहाल क्या समस्या है? हमारे पंचायत में जो अभी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, जो पहले दो बार मुखिया रह चुके 2010 से अभी तक जो हमारे दो मुखिया चुने गए हैं उनके द्वारा कई काम जो है जनता के बीच नहीं हो पाया और अभी जो मूलभूत समस्या है पानी का है और पानी जो अभी हमारा पानी टंकी है उसमें पैसा शुल्क जो लिया जाता है उसमें क्या है कि कुछ लोग दे नहीं पाते जिसके चलते पानी का काफी समस्या है और लोग जो है वो सुचारू रूप से पानी टंकी नहीं चल पाता है। और दूसरा समस्या है कि अभी जो है आवास में, आवास गरीबों का मैंने जब भ्रमण किया क्षेत्र में तो गरीब का जो आवास है वो कितना टूटा फूटा घर में बेचारा रह रहा है और आज तक उसका आवास आवंटन नहीं हुआ, आवास बन नहीं पाया। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि 10 सालों में मेरा पंचायत का विकास ही नहीं हो पाया, तो इसी को लेकर। और वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, कई का तो वृद्धा और विधवा पेंशन जो है मतलब समझिए कि हो ही नहीं पा रहा है। पता नहीं कैसे अभी दो टर्म में काम हुआ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यहाँ का जो मूलभूत सुविधा और जन समस्या है हम उसके लिए खड़े हुए हैं। और लोगों के बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कहीं कहीं पर तो रोड नहीं बन पाया है ठीक से और कहीं कहीं पर बिजली भी, जैसे आपका हमारा बड़की धमराय हो, छोटकी धमराय हो या मझगावा हो, वहां कुछ लोगों के घर तक बिजली भी नहीं जा पाई है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि वहां तक बिजली पहुंचे। और हमारा मझगावा जैसे गांव में है कि अभी आपका जो है सो पानी भी सप्लाई नहीं पहुंच पाया, तो उसमें हमारा कोशिश है कि जिन गांवों में पानी का जो मेरा पानी टंकी सप्लाई नहीं पहुंच पाया है किसी भी तरह करके वहां मेरा पानी सप्लाई जो है हमारे मझगावा वासी को भी मिले। चूंकि अधिकार है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी, ये तीनों चीज पर हम काम करेंगे और बढ़िया ढंग से करेंगे। प्रत्येक माह में हम जनता के बीच में जनता अदालत लगाकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो भी अभी तक 10 सालों में इन लोगों के द्वारा जो अभी दो प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इन लोगों के द्वारा जो भी गलतियां हुई है समाज में उसको मैं सुधारने का काम करूंगा। आपने यह कैसे विचार किया कि मुझे मुखिया पद प्रत्याशी के लिए खड़ा होना चाहिए? हम जनता की जब समस्याएं सुने, चूंकि मैं सरपंच के तौर पर रह चुका हूं इस पंचायत में, यहाँ बहुत सारी समस्याएं, चूंकि सरकार के द्वारा हम लोगों को उतना मान्यता प्राप्त नहीं मिल पाया था और बहुत सारा ऐसा है कि आवंटन हम लोग को नहीं मिल पाया जिसके चलते हम लोगों ने उस पर काम नहीं कर पाए। अब है कि सारा योजना से लेकर सारा चीज मुखिया के अंडर में मिला। अभी जो भी हम लोग फॉर्म भरते थे तो जो मुखिया है वो लोग का ये रहता था कि हम काम हमारे मार्फत से हो ना कि अगले के मार्फत से हो। तो जनता का जो आवाज आया कि ये जो मूलभूत समस्या है, अभी हमारा जो है पंचायत में बहुत सारी समस्या है और जनता पूरा आक्रोशित है बदलाव के लिए कि नहीं, हमारा जो 10 साल में जो काम नहीं हुआ, ये सरपंच रह के बहुत सारा ऐसा काम किए जो हम लोगों के बीच में रह के बिना फंड के, बिना पैसे के, ये मतलब ऐसा ऐसा काम हुआ है कि जो जनता का आवाज आई कि मुखिया तो आपको रहना चाहिए, इसी लेकर मेरा जो है जनता के बीच में हम आए हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे काम हो और जनता के बीच में रह के काम करें,
इसीलिए मैं मुखिया पद पर आया। महेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि अगर मुखिया पद के लिए जनता ने आपको अगर चुना और ये आपको मौका मिला तो आप इसमें क्या करना चाहेंगे? देखिए, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं पंचायत के लिए सबसे पहले तो जो ये पानी की समस्या है जी, और अभी जो पैसा लग रहा है पानी का 60 या 65 रुपया जो भी लग रहा है वो बिल्कुल मुफ्त सुविधा देंगे, और दूसरा है विद इन 6 मंथ के अंदर एम्बुलेंस सेवा हमारे पंचायत को मिलेगा, और हमारा तीसरा लक्ष्य है महिलाओं के लिए स्वरोजगार पैदा करना। हमारे जो महिला मंडल में महिलाएं हैं कभी कभी देखते हैं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और काफी जो महिला है जिसके पति कुछ कमाते नहीं वो लोग काफी संघर्ष करती है समाज में जी जी, तो उन लोगों के लिए एक स्वरोजगार के रूप में हम प्रयास करें कि उन लोगों को कुछ स्वरोजगार मेरे माध्यम से दिया जाए, और चौथा हमारा मिशन है कि शिक्षा पे हम ऐसा काम करें जो हमारे गांव का शिक्षा बेहतर हो और एक समाज में एक बदलाव आए शिक्षा में, उस पर भी हम काम करना चाहेंगे हमारे आने पर। और पांचवा हमारा जो मिशन है कि आपका जो भी पंचायत में आवास योजना है या पेंशन योजना है, आपका महीना में एक बार हर एक मैंने ग्राम में बैठक करके उसको सुचारू रूप से विथ रजिस्टर बना के उसका प्रत्येक ग्रामों में सभी जन को ध्यान में रखते हुए उसका लाभ देने का प्रयास करेंगे, और हमारे जीतने के बाद जो भी समस्याएं जनता के बीच में आएंगी हम प्रयास करेंगे कि लगभग लगभग उसको दूर करें, और हमसे किसी का शिकायत ना हो ये भी हम प्रयास करेंगे, और जो भी हमारे पंचायत में जो अभी तक नहीं हुआ है जनता अदालत के द्वारा महीना में एक बार जनता अदालत लगाई जाएगी, उसमें जितने भी समस्याएं होंगी उनका मैं प्रयास करूंगा कि लगभग लगभग उसका निराकरण करके और जनता का दिल जीतने का मैं प्रयास करूंगा। और जो भी एक महिलाओं के लिए मैं जो सिलाई सेंटर का घोषणा करने वाला हूं कि प्रत्येक ग्रामों में महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर मैं खुलवाऊंगा, और महिलाएं वहां जो अभी दूर जाना पड़ता है सिलाई सीखने के लिए तो वो सिलाई सेंटर मेरा जो है प्रत्येक ग्रामों में रहेगा, और वहां पर महिला जो है प्रशिक्षण लेंगी, और जो हमारे गांव की बच्चियां हैं वहां प्रशिक्षण लेकर और वो प्रशिक्षण प्राप्त करके सिलाई जो है सीखने का काम करेंगी, यही मेरा उद्देश्य है। और समाज में जो भी कमी है, मान लीजिए रोड का कमी है, नाली का कमी है, गली का कमी है, उसको प्रयास करूंगा कि लगभग लगभग समस्याएं दूर हो जाए। ये 10 साल में जो काम नहीं हुआ है मैं प्रयास करूंगा कि एक आदर्श पंचायत बनाकर मैं अपने बड़की धमराई पंचायत को दे दूं, ताकि भविष्य में जो भी मुखिया बने या मुझे जनता का आशीर्वाद बाद में मिले तो ये जनता को ना बोलना पड़े कि महेश जी हमारे घर में वोट मांगने आ रहे हैं। मेरे ऊपर इतना विश्वास हो जाए जनता को कि वो लोग अपने आप वोटिंग करें और इतना अच्छा काम करके दे कि फिर मैं निर्विरोध मुखिया चुना जाऊं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।